आइए आज 2019 क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 7 हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया, गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, ये पार्ट का नाम है द गंगा और राइटर का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गंगा पार्ट से दो क्वेश्चन आपको आया है, नेम ऑफ द लेसन और ऑथर का नाम और व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पीटी नेहरू ऑफ। दोनों क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी अपलोड है। अगला क्वेश्चन दूसरे में, करेक्टर स्पीच ऑफ ओल्ड मर्चेंट, ये सिलेबस में नहीं काट दीजिए। व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सॉक्रेटिस आर ब्रॉट आउट इन द लेसन, सुकरात के किन महान गुणों को पाठ में उजागर किया गया। ब्रॉट आउट माने उजागर करना, प्रकाशित करना, किन गुणों पर प्रकाश डाला गया। तो ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन लिखाया गया है सॉक्रेटिस पार्ट से, लॉन्ग क्वेश्चन वही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन, जब वर्षा होने लगी लेंचो कैसा महसूस किया, या व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू। थर्ड वाला सिलेबस में नहीं है, तो पहला दूसरा आपको लिखा गया क्वेश्चन, वीडियो भी अपलोड है। सैक्रेड का हो जाएगा होली, प्रेशियस का क्या हो जाएगा वैल्यूएबल, फेम का रेपुटेशन, अप्रिसिएट का एडमायर, ग्लोरियस फाउंटेन आपका फाउंटेन सा है जिसके राइटर हैं यानी कवि जेम्स रसेल लॉवेल। इसमें दोनों क्वेश्चन जो आए हैं इसको हम आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी इसकी अपलोड है, देखना चाहो देख सकते हो। सेंट्रल आइडिया चाहे लिखो चाहे चार लाइन की कविता लिखो। उसके बाद जो है, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से क्यों बाहर निकाल दिया गया। डू यू नो एनीथिंग डिफरेंट अबाउट विक्रमादित्य, क्या विक्रमादित्य के बारे में आप कोई चीज़ निश्चित रूप से जानते हो। तो ये दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं, वीडियो भी इसकी अपलोड है, तीसरा सिलेबस में नहीं है। एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, बात सही है गलत है? सही है। नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, फॉल्स है, सब लोग जानते हैं। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज लाइंग बरिड इन द पॉस्चर, मतलब विक्रमादित्य का नया सिंहासन चरागाह में दफना पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था, सही बात है, बरिड लाइंग बरिड मतलब पड़ा हुआ था, दबा पड़ा हुआ। तो डी वाला सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ जाइए। देखिए नौवां क्वेश्चन जो है आपका, इंपॉर्टेंट थिंग ओलंपिक गेम्स इज, सिलेबस में नहीं है, फाइटिंग बेल है लेकिन सिलेबस में नहीं है, टेकिंग पार्ट इसमें से होगा लेकिन सिलेबस में नहीं है। जजमेंट सीट विक्रमादित्य किसका बना था, स्टोन, हाँ वाज मेड ऑफ स्टोन, पत्थर का बना हुआ था, पत्थर के देवदूत थे। चौथा ऑप्शन, एडिसन गॉट ए बीटिंग, पिटाई क्यों प्राप्त किया था एडिसन अपनी माँ से, स्मैश्ड, अंडे तोड़ा था, शर्ट खराब किया था, शर्ट को, नेकर को। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पैलेस ऑफ फोर्टिस ऑफ विक्रमादित्य वेयर रुइंड हो गए थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब कालांतर में यानी आगे चलकर विक्रमादित्य के महल और किले क्या हो गए, नष्ट हो गए थे। द क्रो क्लीवर इज ए वेरी वर्ड, हाँ पहले हो जाएगा द क्रो, उसके बाद इज ए वेरी क्लीवर बर्ड, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी होता है। द टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, हाँ उसके बाद टू गिव मी का हिम हो जाएगा, हिज का योर का हिज हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गिव हिम हिज बुक, बात समझ में आ गया। द हंटर शॉट द टाइगर, हाँ द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। द सोल्ड ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ एंड, अब यहाँ पास्ट इंडिफरेंट में इसको भी बना दो क्योंकि पास्ट में है तो बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा, बी यू आई एल टी, मतलब आप पिछले महीने घर को बेचा अपने घर को और एक नया घर बनाया, बी यू आई एल टी, क्लियर। क्या है कि अगर कहीं भी किसी वाक्य में लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, कोई सन का नाम आ जाए तो उसको पास्ट इंडिफरेंट पे लिखना चाहिए, क्लियर। तो पिछले महीने की बात किया जा रहा है तो इसलिए बिल्ट ही होगा सेकंड फॉर्म, क्लियर। अगला सेकंड फॉर्म भी डी की जगह टी कर दो, वही ला के सेट कर दो, जोड़ दो। आई एम प्राउड, प्राउड साथ क्या लगता है, ऑफ, प्राउड साथ ऑफ लगता है, ध्यान देना पी आर आई ई डी ई रखा था, प्राइड साथ इन लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन, प्राउड प्राउड माने घमंडी, प्राइड रहेगा गर्व, इन लगेगा घमंड। डू नॉट स्मोक बिकॉज, हाँ स्मोक माने सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना, इट इज इंजरियस टू हेल्थ, कर दूँ क्योंकि यह आई एन जे यू आर आई ओ यू एस टू हेल्थ, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, क्लियर। अच्छा अगला हो जाएगा प्रेयर,
ईयर ए वाई ईयर स्टूडेंट हो जाएगा, आप लोग स्टूडेंट है ये। हाँ द मास्टर में टी बड़े कर दो, सर्वेंट के बाद कामा लगा दो इन्वर्ट कामा, फिर डब्ल्यू बड़े कर दो, प्रश्नवाचक लगा दो से के बाद इन्वर्ट कामा बंद कर दो। क्लियर। अगला ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो ईश्वर चंद विद्यासागर वाज ए वर्दी टीचर, वर्दी माने होता है योग्य, ए वर्दी कहो या एन एबल भी कहो। पीछे भी हम बताए थे, स्पीडली बताते चले जा रहे हैं, कई विद्यार्थी उनके पास आते थे, मेनी स्टूडेंट्स केम टू हिम। क्लियर। एक एक वृद्ध उनके पास पढ़ने आया, एन ओल्ड मैन केम टू हिम टू रीड या टू स्टडी भी कह सकते हो। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, विद्यासागर प्रामिस्ड हिम ऑफ टीचिंग, ऑफ टीचिंग या टू टीच भी कह सकते हो। किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी, बट द ओल्ड मैन फेल्ट द ग्रामर डिफिकल्ट। अब विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, विद्यासागर रोट ए बुक ऑफ ग्रामर फॉर द बेनिफिट का दो या फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन में आया है, प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्ट करना है रेगुलर अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स के लिए। क्लियर। ये सब आपको बताया गया, इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी, ठीक है, वीडियो मिल जाएगी आपको। चलते हैं अगले पेज पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, राइट लेटर टू इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के इंजीनियर को लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करना अरेंजमेंट अरेंज फॉर प्रॉपर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में, लोकेलिटी में क्षेत्र में लाइटिंग माने बिजली, बिजली आने की व्यवस्था करें। क्लियर। आपके यहाँ बिजली नहीं आ पा रहे तो उसके लिए इंजीनियर को लिखो कि हाँ उसको बिजली की व्यवस्था करवाएं। क्लियर। जहाँ गलती हो सुधारवाएं। आगे देखते हैं, पोस्टमैन बुक यू लाइक मोस्ट, रेलवे को लीन पर निबंध लिखना है, फिर आपका अनसीन पैसेज आ गया। चलिए इसको भी हम पढ़ के समझा दे रहे हैं, फिलहाल इसको हम किताब में बताए भी हैं, पीपल डू नॉट, राजू प्रकाशन की बुक में बताया गया है, यहाँ आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, वाई आर द पीपल अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग्स, लोग नई चीज़ों से क्यों डरते हैं, तो आपको बताना है पीपल आर अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग्स, इतना प्रश्न से लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ न्यू थिंग पहली लाइन में है बिकॉज से। क्लियर। बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंस एंड इसके रिस्क, क्योंकि वे खतरे और जोखिमों से, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम, परिणाम और रिस्क माने जोखिम, जोखिम से क्या करते हैं, डरते हैं, भयभीत रहते हैं। क्लियर। अगला है, हाउ डज योर डेंजर सीम्स टेरिबल, टेरिबल माने होता है भयंकर या खतरनाक, खतरा कैसे भयंकर दिखता है, सीमेंस दिखना है प्रतीत होना, तो पहले प्रश्न से लिख देना डेंजर्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दूसरी लाइन में सीधे सीधे आ जाओ, यहीं से लिख दो डेंजर, देखिए सीम में यस जुड़ा है, जोड़ना पड़ेगा, टेरिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस। क्लियर। दूर से जो है क्या खतरा जो है भयानक दिखता है, बस डिस्टेंस तक ही लिखना है। क्लियर। बस इतना ही लिख दो, बस कैसे दिखता है, दूर से देखने पर खतरा जो है भयानक दिखता है। क्लियर। बस डिस्टेंस तक ही लिख लो, लिखना चाहो तो आप पूरा आईटी तक भी लिख सकते हो, लेकिन मेन आंसर डिस्टेंस तक ही है। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको 2020 के सेट हल करा जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।